Good morning everyone, how are you all? Welcome back to my class and join my class with your presence. Aapki presence dete rehna. So today we will start the revision of chapter number 1 that is the planet Earth and the solar system. Before starting the chapter, I would like to tell you that join the class with your book and pencil so that you can underline the important points. और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। सो अभी शुरू करते हैं अपनी क्लास। जब भी हम आसमान में देखते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, दे आर ट्विंकलिंग, वो चमकते हुए नजर आते हैं। तो वो क्या होते हैं, दैट आर स्टार्स। और जो ऑब्जेक्ट हमको चमकते हुए नजर नहीं आते वो क्या होते हैं, वो प्लैनेट्स होते हैं। जब भी हम रात को नाइट स्काई में देखते हैं और दिन में हमको क्या नजर आता है, सन नजर आता है। तो अब आ जाता है आपका कंसेप्ट सेलेस्टियल बॉडी। अब सेलेस्टियल बॉडी या फिर हेवनली बॉडी किसको कहते हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो हमको स्काई में नजर आते हैं, नाइट स्काई में नजर आते हैं या फिर स्काई में नजर आते हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट्स हेवनली ऑब्जेक्ट्स वो उसको क्या बोलते हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट्स को सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। तो अब तो कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे, आपको पहले डाउट था कि मैडम सेलेस्टियल बॉडी किसको कहते हैं। जो भी हमको आसमान में ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं दैट आर सेलेस्टियल बॉडीज। एग्जांपल आता है सन, स्टार्स, मून, प्लैनेट, एस्टेरॉइड्स, मेटियोराइड्स। वेट, एस्टेरॉइड्स मेटियोराइड्स के बारे में मैं आपको इसी चैप्टर में बाद में क्लियर करती हूँ। नहीं तो अभी आप पूछोगे मैडम एस्टेरॉइड्स और मेटियोराइड्स क्या होते हैं, इसीलिए आप जरूर वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपके एक एक कंसेप्ट क्लियर होता रहे। तो आपका यहां तक सेलेस्टियल बॉडी और हेवनली बॉडीज आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स को हम हिंदी में बताए तो ब्रह्मांड। क्या है ब्रह्मांड, वो वास्ट लिमिटलेस स्पेस जिसका कोई अंत नहीं होता, अनंत होता है। और उस स्पेस में ऑल सेलेस्टियल बॉडीज होती है। सेलेस्टियल बॉडीज तो आपको बता ही दिया। तो अंतरिक्ष में जो भी हमको जो स्पेस है वो दिखा, जो सेलेस्टियल बॉडीज हमको सारी नजर आती है वो यूनिवर्स है। तो वास्ट लिमिटलेस स्पेस जिसका कोई अंत नहीं होता। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं गैलेक्सी। तो गैलेक्सी की मैं डेफिनेशन बताने से पहले आपको मैं गैलेक्सी का समझा देती हूं एक मिनट। मान लीजिए ये आपका यूनिवर्स है। समझाने के लिए मैंने दिखाया, वैसे यूनिवर्स वास्ट लिमिटलेस स्पेस होता है जिसका कोई अंत नहीं होता, बस मैंने समझाने के लिए ये आपको दिखाया है। तो ये आपको यूनिवर्स नजर आ रहा है, ओके। मान लीजिए ये आपका यूनिवर्स है। अब यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज होती है। ये तो फॉर एग्जांपल मैंने छोटा सा एग्जांपल दिखाया, ऐसे बहुत सारी गैलेक्सीज होती है, अलग अलग शेप की होती है गैलेक्सीज, ठीक। हमारी जो गैलेक्सी है, जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं, उस गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है। उस गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे। तो ये जो हमारी गैलेक्सी है इसमें सिर्फ एक सोलर सिस्टम नहीं है, ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम है जिसमें सिर्फ हमको अपने सोलर सिस्टम के बारे में पता है, जिसमें आपको पता है कि सन एक स्टार है और उसके फिर 8 प्लैनेट्स होते हैं। तो हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे। और इस मिल्की वे में बहुत सारे सोलर सिस्टम्स होते हैं। इसका जो हिंदी में नाम है मिल्की वे को आकाश गंगा भी कहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। और इसकी जो शेप होती है, जो हमारी मिल्की वे की शेप है वो स्पाइरल होती है। इसकी मिल्की वे की शेप स्पाइरल है। अब हम इसके डेफिनेशन में आते हैं। अब गैलेक्सी क्या है, ह्यूज क्लस्टर ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। एक क्लस्टर यानी ग्रुप, बिलियंस ऑफ स्टार्स का जो ग्रुप है उसको गैलेक्सी कहते हैं। और इसमें जाइंट क्लाउड ऑफ गैसेज और डस्ट भी होता है, गैसेस और डस्ट भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो आप इतना भी याद करेंगे, ह्यूज क्लस्टर ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, तो आपको गैलेक्सी की डेफिनेशन पता चल जाएगी। हमारी गैलेक्सी का नाम आपको मैंने बता ही दिया, मिल्की वे। और इसका जो इंडियन नेम है वो आकाशगंगा है। और हमारी गैलेक्सी का शेप स्पाइरल है, लेकिन हम अगर
साइड व्यू देखे हमारी गैलेक्सी का तो ओरियन आर्म ऐसा नजर आता है कि पेट से ये बीच से उसका शेप थोड़ा मोटा है और साइड में उसके दो आर्म्स नजर आते हैं, तो इसको ओरियन आर्म भी कहते हैं, इसका साइड व्यू है। तो यहां तक बेटा आपके गैलेक्सी तक बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम स्टार्स। स्टार्स क्या है? स्टार्स जैसे सन एक स्टार है, तो स्टार क्या होता है एक्चुअल में, इसके फीचर्स क्या है स्टार के? स्टार्स आर सेल्फ ल्यूमिनियस, स्टार्स अपने आप ही जलती है, इसकी हीट और लाइट अपनी खुद की हीट और लाइट होती है। स्टार्स किससे बनते हैं? हॉट गैसेस से बनते हैं एंड दे जनरेट हीट एंड लाइट, वो जनरेट करते हैं हीट एंड लाइट टू द स्पेस। यहां तक क्लियर होता है? यहाँ ये स्टार्स के फीचर्स है। अगर आपसे पूछा कि फीचर्स स्टार्स के फीचर्स कौन से हैं, तो आप लिख सकते हैं स्टार्स आर सेल्फ ल्यूमिनियस, या फिर अगर आपको सेल्फ ल्यूमिनियस याद नहीं रहे तो स्टार्स हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर मेड अप ऑफ हॉट गैसेस एंड दे जनरेट हीट एंड लाइट। क्लियर हो गया स्टार्स का बेटा? अब आता है आपका एक क्वेश्चन कि स्टार्स हमको छोटी क्यों नजर आती है? सिंपल साइज का आंसर है। स्टार्स हमको इसलिए छोटी नजर आती है क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है, बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम द अर्थ, तो यहां से या फार अवे फ्रॉम द फ्रॉम अस, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। अब आपका एक टर्म आता है आपकी बुक में देखना, लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है? वैसे आपकी बुक में डेफिनेशन लिखा हुआ है लाइट ईयर की, जो दो सेलेस्टियल बॉडी के बीच में जो डिस्टेंस को हम नापते हैं वो लाइट ईयर इसका यूनिट है। दो कोई भी दो सेलेस्टियल बॉडी के बीच में डिस्टेंस को नापने के लिए हम जो यूनिट का इस्तेमाल करते हैं दैट इज लाइट ईयर। लेकिन अगर हम डेफिनेशन में जाए तो ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वन ईयर, एक साल में कितना डिस्टेंस लाइट ने कवर किया वो लाइट ईयर। मैं आपको आसानी से लाइट ईयर को समझा रही हूं, एक मिनट ध्यान से देखिए आप। जैसे मान लीजिए हमारे जो स्पीड लाइट है पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट पर सेकेंड कितना है? 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड में लाइट ट्रेवल करती है। अब हमको वन लाइट ईयर निकालना है, वन लाइट ईयर के लिए हम क्या करते हैं, 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड इंटू 60 इंटू 24 इंटू 365। अब देखिए मैंने लिख दिया है ये वन सेकेंड का हो गया, फिर वन मिनट का हम कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद एक घंटे के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं और एक दिन के लिए फिर हम 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक दिन का हमारा निकल जाता है। अब वन लाइट ईयर, ईयर का निकालना है तो हम 365 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो आपका कैलकुलेशन निकला ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वन ईयर, एक साल में इतना डिस्टेंस कवर करता है लाइट। तो लाइट ईयर की डेफिनेशन डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय लाइट इन वन ईयर। क्लियर हो गया बेटा? ये यूनिट भी है और किस तरह से इसका कैलकुलेशन करते हैं। अब एक और टर्म आ रहा है आपकी बुक में, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी एक स्टार है अदर देन सन, नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। अर्थ का जो नियरेस्ट स्टार है, अर्थ का नियरेस्ट स्टार तो हमारा सन है, लेकिन सन के बाद जो नियरेस्ट स्टार आता है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो अगर आपके क्वेश्चन आया नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ अदर देन सन, तो आप ये लिखेंगे, और ये कितनी दूर है हमसे? 4.5 लाइट ईयर अवे फ्रॉम अस, हमारे से 4.5 लाइट ईयर दूर है। तो यहां तक क्लियर हो गया आपको? ओके, नेक्स्ट शुरू करते हैं हमारा कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन वाला टॉपिक हमने आपने फिफ्थ क्लास के में साइंस की बुक में ही पढ़ा था। ग्रुप ऑफ स्टार्स विच मेक ए रिकॉग्नाइज पैटर्न, विच मेक ए रिकॉग्नाइज शेप, ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार्स जो एक जाना पहचाना सा शेप बनाती है उसको हम कहते हैं कंस्टिलेशन। तो कंस्टिलेशन आपका क्लियर हो गया बेटा? अब आता है कंस्टिलेशन के एग्जांपल। अगर आपको बोले कंस्टिलेशन के दो एग्जांपल दो, तो कंस्टिलेशन का एग्जांपल है उर्सा माइनर, सॉरी उर्सा मेजर और उर्सा माइनर दोनों ही है। तो उर्सा मेजर को हम ग्रेट बियर भी कहते हैं। तो उर्सा मेजर, कंफ्यूज मत होना, ग्रेट बियर क्या है उर्सा मेजर क्या है, ये ग्रेट बियर उर्सा मेजर को कहते हैं और इंडियन नेम इसका सप्तऋषि मंडल है। तो उर्सा मेजर के कितने नाम हो गए? आपके ग्रेट बियर भी हो गया और इंडियन नेम इसका सप्तऋषि मंडल भी हो गया। और दूसरा एग्जांपल आपका आता है उर्सा माइनर।
आपको एक पिक्चर से मैं अच्छी तरह से आपको क्लियर करती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा ये कंस्टिलेशन का, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता कि मैडम कैसे है। ये देखिए, ये आपको एक पिक्चर नजर आ रही है, इसमें ये उर्सा मेजर लिख रखा है मैंने, आपको नजर आ रहा है बेटा यहाँ उर्सा मेजर नजर, ये जो लाइनें मैंने बना रखी है ये वैसे काल्पनिक है ताकि आपको समझ में आ जाए, काल्पनिक होती है ये लाइन। तो फिर यहाँ पे आपको सेवन स्टार्स नजर आ रहे हैं, तो सेवन ये है आपको उर्सा मेजर, या इसको ग्रेट बियर या इसको सप्तऋषि मंडल भी कहते हैं, सेवन स्टार्स कुछ इस शेप में नजर आता है सप्तऋषि मंडल। उसके बाद यहाँ पे हमको दो पॉइंटर्स, हम ही दो पॉइंटर्स लेते हैं, दो पॉइंटर्स को पॉइंट करके हम बिल्कुल नॉर्दर्न स्काई में ऊपर देखते हैं, तो हमको बिल्कुल इसके ऊपर हमको पोल स्टार नजर आता है, ध्रुव तारा नजर आता है, और जो ध्रुव तारा है ये उर्सा माइनर का पार्ट है, इसको लिटिल बियर भी कहते हैं, उर्सा माइनर को लिटिल बियर भी कहते हैं। आप इस पिक्चर को देखिए, आपको पूरा कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि दो पॉइंटर्स मैंने लिए हैं, पोल स्टार कैसे नजर आता है, और उर्सा माइजर मेजर कौन सा है और माइनर कौन सा है। तो आपकी बुक में जो पिक्चर दे रखी है आपको ये पिक्चर अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। अब देखिए इसमें है, ये मैंने आपको बता दिया इसका नाम। अब आता है इसमें सप्तऋषि मंडल, सप्तऋषि मंडल मैंने आपको बताया गया, ये आपका इसको उर्सा मेजर को सप्तऋषि मंडल भी कहते हैं। तो इसमें कितना है, एक ग्रुप ऑफ सेवन स्टार्स, काउंट करिए, ये सेवन स्टार्स का ग्रुप है, एंड इट इज ऑब्जर्व इन द नॉर्दर्न स्काई इन इंडिया। इंडिया में नॉर्दर्न स्काई में जो नजर आता है दैट इज अवर सप्तऋषि मंडल। तो बेटा आपको कंस्टिलेशन टॉपिक तक होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है, द सन एंड हिज कंपेनियन कंस्टिट्यूट द सोलर सिस्टम। द सन एंड इट्स कंपेनियन मीन्स द सन एंड इट्स फैमिली। इसकी फैमिली में कौन कौन आ जाता है, जैसे मान लीजिए प्लैनेट्स, मीटियोर्स, एस्टेरॉइड्स, तो ये सब हमारे क्या है, सोलर सिस्टम में आते हैं। अब ये दे ऑल रिवॉल्व अराउंड द सन ऑन द फिक्स पर, ये सारे जो सन एंड इट्स फैमिली है, इनकी जो फैमिली है सन की, ये सारे एक फिक्स पाथ में घूमते हैं, उस फिक्स पाथ को क्या कहते हैं, ऑर्बिट। सर क्लियर? तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि सोलर सिस्टम क्या है और ऑर्बिट किसे कहते हैं। अब आप देखिए आपकी बुक में एक दूसरा टॉपिक आ रहा है आपका, द इवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम। ये मैं आपको अच्छी तरह समझा रही हूं, तो आप ध्यान से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन कर लेंगे। ये मैंने नेबुला, एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर नेबुला इसमें लिखा है ताकि इसमें बाकी के साथ आपको ये नेबुला वर्ड आपको ध्यान रखना है। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आता है कि सन और इस कंपेनियन, जो सन और उसकी फैमिली है, वो कहां से बने। तो कुछ साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स एगो हमारे यूनिवर्स में एक गैस और डस्ट का गोला था जिसको नेबुला कहते थे, एंड इट कूल एंड गेन वेरी फास्ट रोटेशन। तो पहले 4.6 बिलियन ईयर्स एगो क्या था, एक गैस और डस्ट का गोला था जिसको किस नाम से जाना जाता था, नेबुला, और धीरे धीरे वो क्या होने लग गया, गेन वेरी फास्ट रोटेशन, बहुत तेज गति से घूमने लग गया, और तेज गति से घूमने के बाद वो गैस और जो डस्ट का जो गोला था वो धीरे धीरे अलग अलग उसमें से गैलेक्सीज निकलने लग गए, और उसी में से जो हमारा सोलर सिस्टम है, उसी सोलर सिस्टम में से जो 8 प्लैनेट्स है, वो 8 प्लैनेट्स वहां से अलग होने लग गए। द 8 बॉल्स ऑफ गैसेस ऑफ डिफरेंट साइज सेपरेटेड फ्रॉम नेबुला, नेबुला से वो 8 बॉल्स अलग होने लग गए, और अलग होने के बाद वो जो 8 बॉल्स अलग हो गए नेबुला से, वो क्या बन गए, प्लैनेट्स बन गए, वो 8 प्लैनेट्स बन गए, और जो रिमेनिंग सेंट्रल पास ऑफ नेबुला बच गया, जो नेबुला का जो बीच का पार्ट बच गया, वो चेंज इनटू अ स्टार, वो एक स्टार बन गया, और उसको हम सन के नाम से जानते हैं। तो आपको इवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम, हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद आता है जो सैटेलाइट्स है, वो सैटेलाइट्स भी इस नेबुला से ही बना है,
सैटेलाइट्स वर फॉर्म व्हेन स्मॉल बॉल्स ऑफ गैसेस सेपरेटेड फ्रॉम सेंट्रल मास. जो सेंट्रल मास था नेबुला का, वहां से स्मॉल बॉल्स है गैसेस के, वो अलग होने लग गए और धीरे धीरे दे वर अट्रैक्टेड बाय कंपेनियन प्लैनेट्स. जो प्लैनेट्स अलग हुए थे नेबुला से, 8 प्लैनेट्स जो सेपरेट हो गए थे, वो उससे अलग होने के बाद वो धीरे धीरे वो प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमने लग गए. और जब प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमने लगे और उसको क्या कहने लग गए, वो क्या बन गए, वो सैटेलाइट्स बन गए. तो सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द रेस्पेक्टिव प्लैनेट्स. इवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम यहां तक क्लियर हो गया. बीच बीच में आप लिखते रहिए कि आपको कौन कौन से, चैट बॉक्स में लिखते रहिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, और अगर आपको क्लियर हो रहा है तो वो भी आप लिख सकते हैं. और आप टॉपिक जरूर लिखिए कि कहां कहां तक आपको क्लियर नहीं हुआ. तो यहां तक आपको क्लियर हो गया. इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारा सन. सन सन क्या है? सन एक स्टार है और स्टार डज नॉट हैव ए सॉलिड सरफेस. ये कोई सॉलिड सरफेस नहीं है जो आपको दिख रहा है, ये एक गैस है, बॉल ऑफ गैसेस है जिसमें रिएक्शन कंटिन्यूस, इसमें रिएक्शन होता जा रहा है एंड हेल्ड टुगेदर बाय इट्स ओन ग्रेविटी. और इसकी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये जो प्लैनेट्स हैं इसके चारों तरफ घूम रहे हैं अपनी अपनी ऑर्बिट में. तो ये किसके कारण घूम रहे हैं? सन की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण. तो सन कोई सॉलिड सरफेस नहीं है, ये एक गैस का गोला है जिसमें कंटिन्यूस रिएक्शन होते जा रहे हैं. और सन के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है अर्थ में. और सन क्यों? विदाउट सन इंटेंस एनर्जी, सन की एनर्जी के बिना लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन दी अर्थ. तो सन भी बहुत जरूरी है. अब आपको जो चीज आपको ध्यान रखना है, यहां तक तो मैंने आपको बता दिया सन स्टार है, हेड ऑफ द सोलर सिस्टम है और सन सॉलिड सरफेस नहीं है, गैस से बना होता है. नेक्स्ट आता है आपका सन हमारी अर्थ से कितना बड़ा है. 1.3 मिलियन टाइम बड़ा है हमारी पृथ्वी से सन, 1.3 मिलियन टाइम्स बड़ा है. और डिस्टेंस कितना है ये आपको ध्यान रखना है, कितना बड़ा है. जैसे 1.3 मिलियन टाइम्स बिगर देन अवर अर्थ. और डिस्टेंस अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर, नियर अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर. ये अर्थ और सन का डिस्टेंस है. और सन की जो रेज है हमारी पृथ्वी तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगता है? नियर अबाउट 8 मिनट. तो इसमें जो सन के बारे में मैंने आपको बताया, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए. ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है रिवीजन के टाइम. और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो साथ के साथ आप पेंसिल से अंडरलाइन करते जाइए. जो मैंने आपको लिखा है वो आपको बुक में मिल रहा होगा, हाथ के हाथ आप अंडरलाइन कर लीजिए. नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है प्लैनेट्स. प्लैनेट्स प्लैनेट्स क्या है? प्लैनेट्स क्या है? दीज आर दी हेवनली बॉडीज विच रिसीव हीट एंड लाइट फ्रॉम दी सन. प्लैनेट्स वो हेवनली बॉडी है जिसकी कोई अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती. उसको हीट एंड लाइट कहां से लेती है? वो सन से लेती है. एंड दे डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे रिसीव हीट एंड लाइट फ्रॉम दी सन. तो आपको प्लैनेट्स के बारे में अगर फीचर्स बोले तो आप ये फीचर्स लिख सकते हो. क्या क्या फीचर्स है? प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड दी सन इन ए फिक्स्ड पाथ, दे डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे रिसीव हीट एंड लाइट फ्रॉम दी सन. अब इसके बाद इन ऑर्डर टू द डिस्टेंस फ्रॉम दी सन, सन के डिस्टेंस इनकी जो ऑर्डर है, सबसे पहला प्लैनेट आता है आपका मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस. ये इनका सन से इसकी जो डिस्टेंस फ्रॉम दी सन है, ये इस ऑर्डर में ही आपको इसको याद रखना है. अब इसमें से जो फर्स्ट फोर प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इसको ये सॉलिड रॉक्स मटेरियल से बने हुए हैं. इसको टेरिस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं. ये आपको ध्यान रखना है कि कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, याद करना होगा. टेरिस्ट्रियल प्लैनेट्स, नेम द टेरिस्ट्रियल प्लैनेट्स मेड अप ऑफ रॉक्स. तो आप लिखेंगे मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स. दूसरा आता है आपका लास्ट के जो फोर प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस,
और आपका आता है यहाँ पे एंड नेपट्यून, ये आपके गैस से बने हुए हैं, ये आपके गैस गैस से बने हुए, इसको जोवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं। हम प्लैनेट्स के बारे में कंटिन्यू कर रहे थे, प्लैनेट्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ नोन एज ऑर्बिट, और प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन इन हीट एंड लाइट एंड दे रिसीव हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, नहीं तो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो अब हम एक एक प्लैनेट्स के बारे में आपको समझा देती हूँ। सबसे पहला प्लैनेट जो आता है हमारा वो है मरकरी। मरकरी नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, सन के सबसे जो पहला जो प्लैनेट आता है वो आता है मरकरी। मरकरी में कोई एटमोस्फेयर नहीं है, कोई भी एटमोस्फेयर नहीं होने के कारण ये दिन में बहुत ही गर्म और रात में बहुत ठंडा होता है। तो सो इट इज वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट। ओके, मरकरी के बारे में पता चल गया कि वो दिन में क्यों ज्यादा गर्म और क्यों ज्यादा ठंडा होता है, बिकॉज इट हैज नो एटमोस्फेयर। दूसरा जो हमारा प्लैनेट आता है वो आता है विनस। विनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, अगर आपको पूछा जाए हॉटेस्ट प्लैनेट का नाम लिखिए तो आप लिखेंगे विनस। क्यों? बिकॉज इट हैज थिक एटमोस्फेयर, इसका एटमोस्फेयर बहुत थिक है और मेड अप ऑफ क्लाउड ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है। थिक एटमोस्फेयर होने के कारण वो बाहर नहीं निकल पाता, तो इसीलिए वीनस जो गैस है वो बाहर नहीं निकल पाती, तो इसीलिए वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। नेक्स्ट हमारे थर्ड पोजीशन में आता है अर्थ। अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ इज पॉसिबल, पृथ्वी में लाइफ पॉसिबल है और ये हमारे थर्ड पोजीशन में आता है। अर्थ के बाद आता है हमारा मार्स। मार्स को हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं। और इसके बाद आते हैं आपके फोर प्लैनेट्स जो गैसेस से बने होते हैं, दैट इज जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। ये गैसियस प्लैनेट है और इन चारों प्लैनेट्स में रिंग होते हैं लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देते। और जो सैटर्न के आगे रिंग है, वो रिंग अराउंड द सैटर्न इज वेरी डेंस। जो सैटर्न के चारों तरफ जो रिंग है वो डेंस है, डेंस होने की वजह से जो सैटर्न के चारों तरफ जो रिंग है वो आपको आसानी से नजर आता है। द एटमोस्फेयर ऑफ जुपिटर, अब हम जुपिटर को ले, जुपिटर और सैटर्न को लेते हैं। जो एटमोस्फेयर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये सारे गैसेस से बने हैं और एटमोस्फेयर, और जो एटमोस्फेयर है जुपिटर और सैटर्न का, ये मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। तो एटमोस्फेयर जुपिटर और सैटर्न का किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन और हीलियम से। और यूरेनस, यूरेनस इज मेड अप ऑफ, यूरेनस किससे किससे बना हुआ, कौन से गैस से? हाइड्रोजन और हीलियम। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम तो ऑलरेडी है इसमें, इसके साथ साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ मीथेन गैस भी है। तो यूरेनस में कौन कौन से हो गए? हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन, और जिसके कारण यूरेनस में ब्लू टिंट, ब्लू टिंट नजर आता है। यूरेनस जो हमारा जो प्लैनेट है इसमें ब्लू टिंट नजर आता है। ब्लू टिंट क्यों नजर आता है? कौन से गैस के कारण? मीथेन के कारण। क्लियर हो गया बेटा? इसके बाद आता है हमारा नेपट्यून। नेपट्यून प्लैनेट किस, नेपट्यून जो प्लैनेट है वो कौन से गैस से बना हुआ है? ये तीनों गैस तो है ही, हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन। देखिए यहाँ पे मैंने H2 लिख रखा है, ये हाइड्रोजन का सिंबल है, हीलियम HE और CH4 मीथेन का सिंबल है। तो ये यहाँ पे ये तीन गैस तो है ही, हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन, इसके साथ थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन और एमोनिया गैस भी है। तो नेपट्यून में कौन कौन से गैस हो गए? हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और एंड स्मॉल ट्रेसेस ऑफ नाइट्रोजन एंड एमोनिया। इनका जो 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 भी मैंने प्लैनेट्स आपको बताए, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, इन लोगों का रोटेशन और रिवॉल्यूशन पीरियड अलग अलग है। आपको अपने बुक में नजर आ रहा होगा, देखिए आप इसमें रोटेशन और रिवॉल्यूशन पीरियड, रोटेशन और रिवॉल्यूशन पीरियड आपको अलग अलग दिखा रखा है। तो आप इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट्स आपके बुक में नजर आ रहे हैं उसको आप अंडरलाइन जरूर करिए और आप कंटिन्यूस वीडियो में, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए ताकि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बाद हमारा आता है अर्थ यूनिक प्लैनेट क्यों। अर्थ हमारे थर्ड पोजीशन में आता है।
फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, इसका थर्ड पोजिशन है एंड इट कंप्लीट्स, अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज अबाउट 24 आवर्स या वन डे, एक दिन में अर्थ अपना रोटेशन पीरियड कंप्लीट करता है और रिवॉल्यूशन पीरियड कितने दिन में, 365 डेज एंड 6 आवर्स। इतना आपको पता ही है अर्थ का रोटेशन और रिवॉल्यूशन पीरियड, रोटेशन 24 आवर्स एंड रिवॉल्यूशन 365 डेज एंड 6 आवर्स। अर्थ की जो शेप है, अर्थ की शेप स्फेरिकल है, यह आपको ध्यान रखना है। अभी कोई भी क्वेश्चन आए कि आपसे क्वेश्चन अगर पूछा गया कि अर्थ की शेप कैसी है, तो आपको अर्थ की शेप क्या लिखनी है, अर्थ की शेप स्फेरिकल। अब क्वेश्चन आता है अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहते हैं, बाकी प्लैनेट्स में हम रह नहीं सकते लेकिन अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है, इसको यूनिक प्लैनेट क्यों कहा गया, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आंसर सेक्शन में भी है, तो इसको ध्यान से सुनना ताकि इस आंसर को आप अपने मन से कर सको। इट रिसीव्स बैलेंस हीट एंड लाइट, अर्थ को मॉडरेट अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट मिलती है। अंडरलाइन करते रहो अपनी बुक में, आपको नजर आ रहा है इस बैलेंस हीट एंड लाइट है क्यों, क्योंकि अर्थ का जो पोजिशन है राइट साइज एंड राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, क्योंकि इसकी जो पोजिशन है वो राइट साइज और सन से राइट डिस्टेंस में, तो इसको बैलेंस हीट एंड लाइट मिलती है सबसे पहला पॉइंट, बिकॉज ऑफ राइट साइज एंड राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। और अर्थ में अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ एरिया इज कवर्ड विद वाटर, अर्थ की जो एरिया है 2/3 वो वाटर से कवर्ड है एंड वाटर इज एसेंशियल फॉर अवर लाइफ, फॉर ह्यूमन बींग, एनिमल्स एंड प्लैनेट, एंड नो लाइफ एग्जिस्ट विदाउट वाटर, वाटर के बिना हम लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकते। थर्ड वाला पॉइंट आता है प्रेजेंस ऑफ एटमोस्फियर, अर्थ में एटमोस्फियर है एंड इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर अवर लाइफ, और इस एटमोस्फियर में क्या है, इट कंटेन्स गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर्स। तो ये आपका, मैंने अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है यहां तक मैंने आपको आज बता दिया। नो मोर टूडे, आपकी जो नेक्स्ट टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहां तक आपको ध्यान से आपको पढ़ना है और जो भी चीजें आपने अंडरलाइन करी है उसको ध्यान से देखना है ताकि आप लेसन के बीच में से जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं वो आप देख सके। आपकी प्रेजेंस जरूर लगाते रहना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक जरूर करना एंड डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। और आपको अगर क्लियर हो गया है पूरी भी, आपको जहां तक आपको मैंने अर्थ का यूनिक प्लैनेट पढ़ा दिया है यहां तक आपको अगर क्लियर हो रहा है तो भी आप चैट बॉक्स में लिखते रहना। नो मोर टूडे एंड मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।